Now we will come towards UNICEF first strategy. Its support definition of roles and responsibilities across sectors in prevention. यानी जो different sectors हैं जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं उनको उनको violence से बचाने के लिए काम कर रहे हैं उनकी promotion कैसे करनी है तो वो ये कहते हैं कि identify the key sectors that play a role in prevention efforts रिलेटेड टू द स्पेसिफिक और प्रॉब्लम्स तो सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से की सेक्टर्स हैं जो बच्चों की फलाह के लिए काम कर सकते हैं उनमें जैसे मैंने अर्ज़ किया कुछ तो तालीमी इदारे हैं जाहिर है हर बच्चे को तालीम की ज़रूरत होती है फिर उनके ख़ानदान हैं फिर उनकी सेहत व आफ़ीत के लिए जो मुख्तलिफ सेहत के इदारे हैं वो हैं हेल्थ सेक्टर्स हैंल्थ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो काम करती हैं पाकिस्तान के अंदर भी अब बच्चों के लिए हेल्थ यूनिवर्सिटी है जो उनकी सेहत के ऊपर काम करेगी और तहकीक करेगी और फिर इसके अलावा चाइल्ड प्रोटेक्शन के इदारे हैं जो खास तौर पे केटर करते पर वहां जाके जहाँ बच्चों के साथ वायलेंस हो रही होती है तो वो जो कहते हैं आइडेंटिफाई करें उन इधारों को और उनको बेहतर करें देन कंडक्ट स्टेक होल्डर एंगेजमेंट टू अंडरस्टैंड देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज अब ये वो सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे बच्चों के आइडेंटिफ़ाई किया जाए कि उनको कहाँ ट्रेनिंग की अवेयरनेस की कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है फिर बाकायदा इदारे ऐसे हों जो इनको इन बच्चों की वायलेंस के लिए और उनके हक़ूक़ के तहफ़ के लिए तालीम तरबियत दें और ट्रेनिंग करें उनकी ताकि वो उनकी कैपेसिटी बिल्ड हो जाए और फिर वो इस बेहतर तौर पर इस काबिल होंगे कि बच्चों का ख़्याल कर सकें डिफ़ाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सबिलिटीज भाई किसको क्या करना है किसका क्या काम है वालदेन की कितनी ज़िम्मेदारी है की क्या ज़िम्मेदारी है एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारी क्या है कम्युनिटी की जिम्मेदारी क्या है जी बच्चों के लिए हम मजमुई तौर पर तो बहुत कम सोचते हैं कि एक फ़र्ज़ करो एक महल्ला है या एक शहर है या पूरा मुल्क पाकिस्तान है तो हमारी मजमुई तौर पर अपने बच्चों की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हम अपने बच्चों को तो देख लेते हैं उनका ख़याल कर लेते हैं लेकिन कम्यूनिटी के बच्चों के लिए हम कैसे काम करें क्रिएट फॉर्मल एग्रीमेंट्स सच इज एमो यूज द रिलेटिव सेक्टर अब वो कहते हैं कि कोई इदारा भी अकेला काम नहीं कर सकता इदारों को मिलकर एक दूसरे के साथ कलेबोरेशन में काम करना चाहिए और अगर इसके लिए उनको कोई एमओ यूज करने पड़ते हैं कोई म्यूचुअल जो है उनको कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं कि भाई हम मिल ये करेंगे मसलन जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है जब वो बच्चों को उठाता चौक में से भिकारी भीख मांगते हुए तो वो उनको कहाँ ले जाएगा उनको उनके लिए तली इदारे हों जो उनके साथ अटैच हों अगर उनको कोई सेहत का मसला है तो सेहत के इदारे जो हैं वो उनके साथ अटैच हों और अगर वो समझते हैं कि उनको किसी हॉस्टल की ज़रूरत है उनको रिहाइश की ज़रूरत है तो कुछ इस तरह के इदारे मौजूद हों जहाँ पर वो उनको ले जाए सो प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड रिसोर्स एंड टेक्निकल असिस्टेंस तो इन सारे कामों के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है आपको सिर्फ अवेयरनेस ही नहीं देनी बल्कि आपको उनको वेल well इक्विप भी करना है उनको सारी टेक्निक्स भी सिखानी है जो टेक्निकल चीज़ें हैं व्हीकल्स हैं इधारों के अंदर ऐसा मटेरियल है जो होना चाहिए तो वो सारी चीज़ें वो कहते हैं जी आप प्रोवाइड करें यानी इदारों को आइडेंटिफाई करें इधारों के लोगों को ट्रेनिंग दें और उनके बाद उनको ज़रूरी सामान भी मुहैया करें देन एस्टैब्लिश कम्युनिकेशनल चैनल्स टू फैसिलिटेट इंफॉर्मेशन शेयरिंग कोऑर्डिनेशन एंड फीडबैक अब वो जब सब मिल काम करें तो आपस में उनके कम्युनिकेशनल चैनल जो हैं वो मजबूत होने चाहिए फ्लॉलेस होने चाहिए कि जी आप क्या कर रहे हैं कितने बच्चे हमने आपको भेजने हैं आपने उन बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करना है कौन सी फैसिलिटीज़ देनी है कहाँ उनको रखना है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें फिर फीडबैक भी दें कि जनाब आपने ठीक किया या नहीं किया या हमें फला जगह मसला पेश आया उसको कैसे रिजॉल्व करना है सो so वो कहते हैं कि पूरे सिस्टम के तौर पर आप काम करें सारी ऑर्गेनाइजेशन जो बच्चों के हकूक के लिए उठ के खड़ी हैं वो सब आपस में मिल के एक दूसरे को सपोर्ट करें कलेबोरेशन से काम करें ताकि कोई उसके नतज निकले सो मॉनिटर एंड इवेलुएट ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस टू अचीव द रिक्वायर्ड गोल्स और फाइनली अब जब ये सब कुछ हो रहा है तो उसको किसी ने मॉनिटर भी करना है कि चीजें ठीक हो रही हैं या नहीं हो रही या वाकई बच्चों को उनके हकूक मिल गए या नहीं या कितने बच्चों को हमने वायलेंस से बचाया है किस किस तरह की वायलेंस से बचाया है डेटा कैसे हमने इकट्ठा करना है फिर उस डेटा को फर्दर हमने कैसे यूज करना है कि कितने लोगों को तो उनके हकूक मिल गए और कितने अभी रह गए हैं उन तक हमारी अप्रोच या एक्सेस क्या होगी और किस तरह से हम बाकी लोगों के साथ ट्रीट करेंगे सो so, ये सारा काम जो है सिस्टमेटिकली और कलेबोरेटिवली होगा